गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये जो वीडियो है वो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है, कल हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 3 अनुप्रयोगों की व्याख्या कर चुके थे, सॉरी 2 अनुप्रयोगों की व्याख्या कर चुके थे। तीसरा अनुप्रयोग है प्रकाशिक तंतु, इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। इसका बना होता है, ये प्रकाशित तंतु जो होता है वो उच्च गुणवत्ता वाले कांच, उच्च गुणवत्ता वाले यानी हाई क्वालिटी वाले कांच या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है और बहुत हाई कंपोजिट होता है। और इस पर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई होती है, एक परत चढ़ी हुई होती है। ये हाई क्वालिटी वाला एक ग्लास है जिस पर हमने एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा रखी है। इसको हम क्रोड कहते हैं, क्रोड, और इसको हम क्लेडिंग कहते हैं, क्लेडिंग। हिंदी में इसको क्रोड और इसको आच्छादक कहते हैं। तो एक बार इसका जो अपवर्तनांक है, क्रोड का अपवर्तनांक है, वो क्लेडिंग की तुलना में अधिक होता है। जब एक तरफ से प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका बार 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 क्या होता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। एक बार प्रकाश किरण एक सिरे से डाली जाती है, क्रोड का अपवर्तनांक आच्छादक की तुलना में, क्लेडिंग की तुलना में अधिक होता है। तो पहली कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है। दूसरी बात, आपतन कोण सामान्य यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिग्नल आपका प्राप्त हो जाता है। प्रकाशित तंतु का जो उपयोग है, मुख्य रूप से इसके 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग, इसका यूज जो है ऑडियो और वीडियो, दृश्य और श्रव्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। इसका जो दूसरा उपयोग है, दूसरा उपयोग इसका लाइट पाइप के रूप में है। लाइट पाइप के रूप में यानी कि प्रकाशित तंतु एक लाइट पाइप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन मेडिकली फील्ड में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। मेडिकली फील्ड में इसमें क्या होता है, एंडोस्कोपी एक होती है प्रोसेस, उसमें वो आपके गले में पाइप डाल देते हैं। पाइप मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, प्रकाशित तंतु डाल देते हैं। उसके आगे एक छोटा सा कैमरा या छोटा सा मिरर लगा होता है जिसमें एक साइड से लौट के लाइट आती है, तो अंदर क्या क्या स्थिति है, इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की, अग्नाशय, आमाशय, इन सब चीज़ों को उसको देखने में, गर्दन को, फेफड़ों को, लाइट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है जैसे आपने देखा होगा नुमाइश वगैरह में, वो प्लास्टिक वाला एक वो आता है गुलदस्ता, इसमें एक बल्ब जलता है नीचे और ऐसे फुब्बारे की तरह संरचना होती है, सब जगह छोटे 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 बल्ब जल रहते हैं। तो इसका उपयोग, वो प्लास्टिक के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, प्लास्टिक के प्रकाशित तंतु है जिनका उपयोग हम लोग सजावट के कार्य में भी करते हैं। आसान सा टॉपिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए। खोलिए पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैसे ये एक गोलीय पृष्ठ है, दर्पण नहीं है ना ये लेंस है, ये एक गोलीय पृष्ठ है, ध्यान रखें। ABC N1 माध्यम से N2 माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। गोलीय पृष्ठ बिंब O का प्रतिबिंब I बनाती है। ये वक्रता त्रिज्या है, यहां से आप लंब डालिए, सीधे सीधे ही डाल दीजिए, ये M पर आपतित हो रही है और यहां से आपने लंब डाला। बिंब दूरी है U, प्रतिबिंब दूरी है बी और वक्रता त्रिज्या है आर।
और यह अभिलंब होता है, यह आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है। आपतित किरण जो कोण बना रही है वो है आई, और अपवर्तित किरण जो कोण बना रही है वो है आर। अभिलंब से बनाया हुआ कोण है ये, अपवर्तन बताना है आपको गोलीय पृष्ठ द्वारा। अपवर्तन का मतलब समझ रहे हैं, स्नेल के नियम को प्रूफ करना होगा, यानी स्नेल के नियम का इसमें उपयोग होगा। बिंदु एम से लंब डालिए जो किस पर मिलेगा, बिंदु डी पर, सारी गणना डी से कर लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज एम ओ डी में आपको पता है फिजिक्स में एक ही कोण निकलता है और वो निकलता है टेन थीटा। तो टेन एम ओ डी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन एम ओ डी, लंब कितना हुआ एम डी और आधार कितना हुआ ओ डी। इसी तरीके से त्रिभुज एम सी डी में टेन एम सी डी, ये भी हो जाएगा लंब बटे आधार एम डी बटे सी डी। इसी तरीके से त्रिभुज एम एम आई डी में टेन एम आई डी बराबर एम डी अपॉन डी आई। कोणों के मान अल्प हो जो हम अक्सर लेते हैं, कोणों के मान अल्प हो, अगर कम हो तो टेन एम ओ डी लगभग बराबर किसके, एम ओ डी के। टेन एम आई डी लगभग बराबर किसके, एम आई डी के। टेन एम सी डी लगभग बराबर किसके, एम सी डी के। और ये तुम्हारा है एम डी अपॉन ओ डी, एम डी अपॉन डी आई और एम डी अपॉन सी डी। वन टू थ्री, मैंने अभी आपसे कहा था आपको गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन बताना है, और अपवर्तन में साइन आई और साइन आर, यानी पहले तो कोण आई निकालो फिर कोण आर निकालो, तब बात करेंगे अपवर्तन की। चलिए देखते हैं, अगर आप देखें त्रिभुज एम ओ सी में तो आई आपका बहिष्कोण है, त्रिभुज एम ओ सी में आई क्या है आपका बहिष्कोण है। लिखेंगे यहां पर त्रिभुज एम ओ सी में कोण आई बहिष्कोण है, आउटर एंगल है कोण आई आपका बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का मान दो अंतरंगों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण आई जो है, कोण आई जो है वो एम ओ डी और एम सी डी, ओ वाले के और सी वाले के, इन दोनों कोणों के, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, बराबर कोण एम ओ डी प्लस एम सी डी। तो कोण आई बराबर यहां आ जाएगा एम डी अपॉन ओ डी प्लस एम डी अपॉन सी डी, इक्वेशन नंबर। अब इसी तरीके से फिर देखिए आप एक और त्रिभुज में, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ये देखिए एम आई सी, एम आई सी, इसमें जो ये सी है ये बहिष्कोण है ना। त्रिभुज एम आई सी में कोण एम सी डी बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। देख लो आप एम आई सी, ये बहिष्कोण है, ये वाला, ये बहिष्कोण है, इसका मान दो अंतरावलंब कोणों के योग के बराबर होगा, यानी एक कोण आर ये और एक कोण ये आई। तो कोण आर कोण मतलब एम सी डी बराबर होगा कोण आर प्लस कोण एम आई सी। तो कोण आर बराबर होगा एम सी डी माइनस एम आई सी, यानी कि कोण आर बराबर एम डी अपॉन सी डी माइनस एम डी अपॉन एम आई, एम आई रुको एक मिनट, एम आई डी कर देगा इसको, क्योंकि
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बीच में जो होता है उसी को एंगल देखते हैं। आप इसे अगर एम आई सी भी लिखेंगे तब भी सेम होगा, एम आई डी लिखेंगे तब भी सेम होगा, क्योंकि बीच वाला कोण देखा जाता है। तो ये डी आई हो जाएगा, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एम आई डी लिखा हुआ है। ये आपका पांच हो गया। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, प्रकाश किरण एन वन से एन टू में जा रही है तो ये आएगा एन टू बटे। फिर वही बात आप पढ़ चुके हैं, कोणों के मान अल्प हैं, कोणों के मान अल्प हैं, अगर कोणों के मान अल्प होंगे तो साइन आई आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर, साइन आई बराबर होगा एंगल आई और साइन आर बराबर होगा एंगल आर। तो एंगल आई अपॉन एंगल आर बराबर एन टू अपॉन एंगल, तो एन वन एंगल आई बराबर एन टू एंगल आर, समीकरण नंबर छह। अब आपने जो चार और पांच से वैल्यू निकाली है वो छह में रखनी है, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है फिर भी देखिए करते हैं। चलिए तो एन वन एम डी तो कॉमन ही आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो वन अपॉन ओ डी प्लस वन अपॉन सी डी बराबर एन टू, एम डी यहां भी कॉमन आ रहा है ले लीजिए, वन अपॉन सी डी माइनस वन अपॉन डी आई, एम डी से एम डी कैंसिल, इसको थोड़ा सा रिमूव करके कर लेंगे। देखिए अब आप इसमें चिन्ह पर पार्टी लगाइए, देखिए सारी दुनिया यहां से नापी जाएंगी, तो OD जो होगा प्रकाश यू आ रहा है और आप यू जाएंगे तो OD माइनस यू आएगा, और यू नापेंगे जब CD को तो प्रकाश की दिशा में गए CD प्लस आ रहा है, V प्लस आएगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से OD बराबर आएगा माइनस यू, सी डी बराबर आएगा आर और डी आई बराबर भी आएगा प्लस के बी। वैल्यू रख दीजिए एन वन ओडी की जगह माइनस यू प्लस वन अपॉन आर बराबर एन टू, सी डी की जगह वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन बी, मल्टीप्लाई कीजिए एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर बराबर एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन बी, पक्षांतरण कीजिए एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू बराबर एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर, और ये आया है एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, समीकरण नंबर सात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों है मैं बताऊं आपको, क्योंकि अब जो मेरा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस, और अगर आप देखें तो जैसे अभी आपने पढ़ा एक सतह एक गोलीय पृष्ठ था, ये देखो है ना, अगर इसी को मैं कवर कर दूंगा तो लेंस बन जाएगा, यानी लेंस का जो सूत्र निकालना होगा उसमें ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम दो बार देखिएगा, बल्कि दो बार दो या तीन बार तो हर वीडियो को दिखा दीजिए, तभी आपको उसके बारे में सही तरीके से अंदाजा होगा कि मैं किस तरह से इसको करता हूं, ठीक है। तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, इसको दो तीन बार करके देखिए। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।